जो रजिस्टर्स हैं उनकी जो रजिस्टेंस है वो कितने ओम तक के जा रहा है ये कैसे पता करें हम लोग। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर ये प्रिंटिंग नहीं करते हैं कितने ओम का है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, देखने में तकलीफ होती है, लेंस लगा के देखना पड़ेगा। हम कलर कोडिंग करते हैं उसके अंदर, पूरी पट्टी चढ़ा देते हैं, उस कलर कोडिंग से हम पहचान जाते हैं कि ये कितना ओम का रेजिस्टेंस है। तो उस कलर कोडिंग को पढ़ना भी आना चाहिए, वो भी कोर्स में सवाल आ जाते हैं उस पर। तो जो हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं आपसे, देखिए किस तरह से होगा। मान लीजिए कार्बन का बहुत बड़ा बनाया आपके लिए हमने, इतना बड़ा दिखता नहीं है, ऐसे मान लीजिए रजिस्टर है, तो इसमें छपता नहीं कितने ओम का है क्योंकि बहुत छोटा था असल में। तो यहाँ पे हम बैंड लगा देते हैं, पट्टियाँ कलर ऐसे चार पट्टी, चौथी नहीं भी हो सकती है, कलर की पट्टी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की, पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे, और इस कलर से हम लोग कोडिंग कर लेते हैं कि कितना इसका रेजिस्टेंस होगा। वो कोडिंग कैसे करते हैं, वो कोडिंग ऐसे करते हैं, देखिए इसमें पूरा पढ़ने का एक तरीका है, वो समझ लीजिए आप। देखिए कलर लिखा हुआ है यहाँ पहला नंबर, फिर मल्टीप्लायर, फिर टॉलरेंस। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड आखिरी वाला है नो कलर। यानी जब कलर ही चौथे का नहीं होगा तो नो कलर में आ जाएगा। ये नंबर जो रीड करते हैं हम लोग वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहाँ तक पहुँचा दिया हमने, सही पहुँचाया। उसके बाद आ जाइए मल्टीप्लायर में, तो 10^1 = 1, 10^0 = 2, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6 इसी तरह 7, इसी तरह 9 और इसी तरह 8। ये मल्टीप्लायर हो गया, और इसके नीचे जो मल्टीप्लायर हैं जैसे गोल्ड में आ जाइए तो ये वैल्यू मिल जाती है 10^-1, और सिल्वर की वैल्यू मिल जाती है 10^-2। ठीक है, अब इसके आगे टॉलरेंस की बात करते हैं हम लोग। तो टॉलरेंस में क्या होता है, गोल्ड से शुरू होता है 5%, 10% और नो कलर अगर तो 20% का इसके अंदर टॉलरेंस होता है। अब इसको पहले समझिए फिर हम बताते हैं तरीका आपको। ये मान लीजिए ये पट्टी लिखी है रेड, दूसरी वाली भी रेड, तीसरी वाली भी रेड और चौथी वाली सिल्वर। सपोज ये ऐसे लिखा हुआ है, एक रजिस्टर है, इसके ऊपर चार कलर बने हैं, कोई भी बन सकते हैं, जो किताब में दिया था वही मैंने लिखा, जिससे अकॉर्डिंग विद यू बुक रहे, आप घर पे जाके देखें तो पकड़ पाएं बात। तो पहले दो कलर जो होते हैं वो हमें ये नंबर्स देते हैं, जैसे रेड का नंबर क्या है, 2 नंबर। तो पहले दो कलर की कहानी हो गई, ये हो गया 22, ठीक। फिर तीसरा रेड देता है मल्टीप्लायर, फिर था रेड, तो रेड का मतलब हो गया 10^2। पहले दो नंबर ने क्या दिया, गिनती, तीसरे ने दिया मल्टीप्लायर, और चौथा देता है टॉलरेंस। तो सिल्वर, सिल्वर की टॉलरेंस क्या है, 10%, ये परसेंट में है। तो ये आ गया आपका प्लस माइनस 10%, इतने ओम का ये रेजिस्टेंस है, 22 × 10^2 प्लस माइनस 10% ओम। कहीं इसमें लिखा दिख नहीं रहा है, कहीं दिखा है इसका आंसर, कहाँ लिखा है, अच्छा 22 × 10^2 ओम प्लस माइनस 10%, ठीक है, ओम यहाँ लिखा है, अब यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बात समझ में आई कैसे हुआ। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इस वाली टेबल को याद कैसे रखें हम, एग्ज़ाम में आएगा तो टेबल बना के नहीं देगा वो, ये समझ तो पाएं क्या किया हमने यहाँ। तो इसको टेबल को याद रखने का एक तरीका, एक ट्रिक है,
वो ट्रिक याद रखिए जिससे आप लगा सकें, वो आपको भी बताई गई होगी स्कूल में, वरना उसी ट्रिक के बिना याद नहीं हो पाता। तो रवि जी क्या ट्रिक थी? हाँ, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से हम याद रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप शुरू करेंगे तो बी मतलब ब्लैक, ये है कौन सा, पहला वाला ब्लैक, दूसरा वाला ब्राउन, तीसरा वाला रेड, चौथा वाला ऑरेंज, फिर ये येलो, ठीक। येलो के बाद इस ऑफ का कुछ नहीं, सेंटेंस बनाने के लिए यूज हुआ है। फिर जी आ गया, जी फॉर ग्रीन, फिर बी आ गया तो ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू उसके बाद हैस का कुछ नहीं है, फिर वी फॉर वॉयलेट, फिर गुड, जी का गोल्ड। कहां पहुंचे थे अभी, कहां पहुंचे यार, वॉयलेट के बाद ग्रे, ग्रे के बाद फिर वाइट, यहां तक। बाकी नीचे के तीन गोल्ड सिल्वर नो कलर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ ना, ये जो कहानी है इसको याद रखने का ये तरीका है, और इसको याद नहीं किया सीक्वेंस याद नहीं हो पाता है, बैठे रहने दीजिए इसको, पढ़े वो तब तक। आज आज पूरी बात कम्युनिकेट करने के बाद भी आप लोग भूल जाते हैं, अपने दिमाग में सेट है पैटर्न ऐसी तैसी टीचर की, जो हम सोच रहे हैं वही सही। अब कल बताया था कि आप लोग को इतने बजे आना, देखो कितने लोग हैं, बाकी लोग नजर हैं, और ये सब बातें पता नहीं कितनी पढ़ी हैं, पता नहीं कितना पढ़ेंगे, कितना आएगा या नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं। SMS भी किया है, कुछ स्कूलों में बताया गया, कुछ स्कूलों में पता नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, कुछ स्कूलों में बताया गया तो बच्चा सुन पाया नहीं सुन पाया, या बात करने में फंसा रहा, क्या मालूम क्या हुआ, क्यों क्योंकि बहुत कुछ हो जाता है, और सब साफ फिर भूला रजिस्टर, पता नहीं कौन सा कलर कहाँ मैच कर रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या बना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ, इससे सारे कलर कॉम्बिनेशन निकाले। और आगे का सीक्वेंस बड़ा सिस्टमेटिक है, जीरो से शुरू कीजिए नौ तक आइए, और जीरो से शुरू कीजिए नौ तक आइए। तो पहले दो कलर क्या देंगे, गिनती डिजिट्स फिगर्स, और उसके बाद देगा मल्टीप्लायर, और फिर टॉलरेंस मिलेगी। इधर एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपसे, अब पूछते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेके कि क्या आप बना पा रहे हैं। तो चलिए किताब का ही ले लेते हैं, आंसर मैच करने में आसानी होगी। चौथा है गोल्ड, अब आपको दिया जाए, कृति से पूछेंगे हम लोग, अनन्या से पूछेंगे, अनन्या बताओ जरा इसका क्या, ऐसे आ गया रजिस्टर हाथ में तुम्हारे एग्जाम में कि बताओ इसका कितना रेजिस्टेंस है, तो क्या बताओगी, हैं 4 7 × 10 प्लस 10%, 10% तो नहीं दिख रहा बेटा हमको, गोल्ड के आगे क्या लिखा हुआ है, तो 10 क्यों बोल रही हो, इतने ओम का ये रेजिस्टेंस है, निकाल पाएंगे इस तरीके से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें, आपको मैं सही बता रहा हूँ, और एग्जाम में आएगा तो बहुत ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा ये, वो भी मानते हैं आपको आना चाहिए, भले आप गोते लगा जाएं इसमें, कुछ नहीं है, बस ये मैच करना, उसको याद करने के लिए बीबी रॉय साहब को पकड़ के रखिए। क्या ट्रिक है अनन्या, बीबी रॉय सुनो, गुड नहीं वेरी गुड, वायलेट छूट जाएगा यहाँ वेरी गुड नहीं कहना चाह रही है, गुड्डी कहना चाह रही है, लेकिन वेरी कहना पड़ेगा नहीं, वायलेट छूट जाएगा, है ना। और नीचे तीन से कौन से थे, गोल्ड सिल्वर नो कलर, 5 10 20 बस, और क्यों, अच्छा वर्णिता इसमें ये ड्रामा क्यों करा दिया इतना झमेला, लिख देते इतने, वो उसका ओम का है, याद नहीं करना पड़ता हमको, हाँ बहुत छोटा होता है तो इतने छोटे में लिखेंगे, और बहुत बनते हैं ये, तो मान लो लिखा और घिस गया साफ हो गया, तो फिर हो गई गड़बड़, कितने का था मालूम नहीं चल रहा है,
और जब यहाँ पर रंग लगा देंगे कायदे का इनबिल्ट, तो वो जाता नहीं, दूर से ही समझ में जाता है कितने की कहानी है ये। सब देखने में एक ही जैसे लगते हैं ना छोटे छोटे, तो फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। गलत सर्किट में गलत लगा दिया तो दिवाली बन जाएगी उसी समय, है ना। अब आगे कहानी,